दफा देखे जरा इसकी लुक कितनी अच्छी लग रही है। मैंने बार बार तारीफों से सीखा बिरयानी बनाने का, ये तरीका नहीं जैसे मैं बना रही हूँ। प्यारी सी यूटी फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक, आप सबकी दुआओं से। और आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो सबसे पहले कर रहे हैं जी, यहाँ पे मैं मैरिनेशन करके रखूँगी। आज हम बनाने वाले हैं चिकन टिक्का बिरयानी। आप ये बिलीव करें कि आपने ज़रूर ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करनी है, बहुत ईजी और इतने कोई मज़े की बिरयानी बनेगी। आप बिलीव करें, हस्बैंड ने मुझे कह ही दिया आखिरकार, नूरीन मैंने फ़र्स्ट टाइम इतनी अच्छी बिरयानी खाई है, इवन तुमने स्टूडेंट बिरयानी को भी पीछे छोड़ दिया। तो खैर चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने चिकन ले लिया है, उसमें मैंने डाल दिया दही, उसके अलावा अदरक लहसुन जो है ना उसको मैंने थोड़ा मोटा मोटा से कूट के ना वो भी इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, तकरीबन 1 से 1.5 किलो जो है वो दही है, और एक से 1.5 किलो चिकन है, और एक प्याली दही की है। लहसुन और अदरक के तकरीबन 2 चम्मच हमने इसमें ऐड कर देने हैं। मैं कोई भी चीज़ें जो है ना वो बिल्कुल वो जैसे कहते हैं ना मेजरमेंट करके नहीं डालती है, मैं इसी तरह डाल देती हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी फिट जो है ना वो रेसिपी बन जाती है। तकरीबन 1/2 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया पीसा हुआ सूखा धनिया, और इसके अलावा 1/2 ही चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर। ठीक है, तो ये चिकन टिक्का की मैरिनेशन कर रही हूँ मैं। इसके अलावा जो बिरयानी बनेगी वो किस तरह से बनेगी, कैसे हमने मसाले मैनेज करने वो सब बताऊँगी। 1/2 चम्मच ही मैंने इसमें डाल दिए कुटी हुई लाल मिर्च जो होती है ना वो। ठीक है, और जी इसके अलावा हम जो दूसरी चीज़ डालने वाले हैं यहाँ पे वो क्या डालने वाले हैं जी, वो है हल्दी। तकरीबन 1/2 चम्मच जो है वो हमने इसमें हल्दी डाल देनी है। ठीक है, आप भी सेम इसी तरह से जो है ना वो मसाले वगैरह ले लीजिएगा जिस तरह मैं डाल रही हूँ, वरना फिर हर औरत को मैं कहती हूँ कि मसालों का अंदाज़ा होता है। तो यहाँ पर जी 1/2 चम्मच से थोड़ा कम मैंने इसमें 4 मसाला ऐड किया है, और तकरीबन 1/2 चम्मच ही हम इसमें टिक्का मसाले का भी ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये है पीसी हुई लाल मिर्च, ये आप देख सकते हैं मैंने कितनी कम डाली है, 1/2 चम्मच से भी कम था ये, समझ लेके जो थाई जो चम्मच होता है ना वो मैंने डाल दिया। ठीक है, खाने वाला चम्मच। अब उसके बाद हम नमक डाल देंगे, वो भी तकरीबन जो टीस्पून है ना वो मैंने इसमें डाला है। ठीक है, ये सारे मसाले डालने के बाद अब हम लास्ट में जो है टिक्का मसाला, अच्छा मेरे पास अभी खुला हुआ नहीं था तो वो मैंने फिर बाद में डाला है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे ये बिरयानी मसाला है, तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच भर के जो है ना वो इसमें मैं बिरयानी मसाला का डाल रही हूँ, और टिक्का मसाला भी मैं इसमें अभी ऐड करूँगी क्योंकि ये है चिकन टिक्का बिरयानी। ठीक है, तो चिकन टिक्का बिरयानी हो तो फिर चिकन टिक्का मसाला ना जाए तो ये कैसे हो सकता है। तो वो भी मैं इसमें ऐड करूँगी, लेकिन वो कहाँ ऐड करूँगी वो अभी इसी में कर दें क्योंकि मेरे पास अभी खुला नहीं पड़ा हुआ था तो इसलिए मैंने अभी नहीं ऐड किया। और यहाँ पे तकरीबन 1/2 चम्मच जो है ना मैंने फूड कलर डाल दिया, जो हम बिरयानी में डालेंगे ना वो इसमें भी डाल दें ताकि जो बोटियों के ऊपर कलर आएगा ना वो बहुत ही ज़बरदस्त आ जाएगा। आपने ज़रूर ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करनी है, बहुत ही मज़े की बनेगी। अब आप देखें कि मैंने ये चिकन में सारे मसाले डाल दिए, और तकरीबन ये मसाले हर घर में मौजूद होते हैं, कुछ भी इसमें ऐसा ही था जो कि मैं बाहर से मंगवाती, हर चीज़ घर में पड़ी हुई थी, चिकन बाहर से आया और दही बाहर से लेकर आई हूँ। दही मैं ज़्यादातर रमज़ान में जो है ना वो घर में बना लेती हूँ, अदरवाइज़ ज़्यादातर आम दिनों में मैं बाहर से ही मंगवा लेती हूँ। और आजकल तो गर्मी है, मैं कहती हूँ कि आजकल घर में भी दही होनी चाहिए ताकि दोपहर के टाइम पे बच्चों को हम लस्सी वगैरह या फिर दही देनी चाहिए, क्योंकि दही जो है वो आपको पता है कि लस्सी ठंडी होती है और बड़ा ठंडक पहुँचाती है। अच्छा, जब तक मैंने चिकन को मिक्स करके मैंने फ्रिज में रख दिया था, अब आसिफ के आने का थोड़ा ही टाइम था तो मैंने सोचा कि यहाँ पर मैं जल्दी से एक ठंडा सा शरबत बना लूँ क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। मुझे अब लगता है कि पंजाब क्या सिंध क्या हर जगह पर गर्मी इस कदर हो गई है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। तो यहाँ पे हमने ले लिया है जी पानी ठंडा, तकरीबन अभी मैंने 1/2 जग लिया है, इसमें मैं दूसरी चीज़ें ऐड करूँगी तो फिर जैसे आसिफ आएंगे तो फिर मैं 1/2 जग बाद में भी इसमें डाल दूँगी। तो यहाँ पे तकरीबन 1 चम्मच जो है वो मैंने इसमें डाल दिया है तुख मलंगा जिसको कहते हैं वो, और इसके अलावा 1/2 टीस्पून जो है ना वो मैंने इसमें काला नमक डाल दिया है। ठीक है, 1/2 टीस्पून काला नमक डालना है इसमें, और 1/2 टीस्पून ही इसमें सफ़ेद नमक भी डालना है क्योंकि ये इसको मैं अगर ऐसे ही बनाती तो कोई भी नहीं पीता, तो मैं इसको स्कंजबीन का एक रूप दूंगी जिसमें मैं इसमें तुख मलंगा भी डाल दिया, जामिश्री भी डाल दूंगी, लीमू भी डालूंगी, नमक भी डालूंगी, चीनी भी डालूंगी, इसको मिक्स करूँगी ताकि मेरे बच्चे शौक से पी लें और स्पेशली आसिफ के लिए। और जब मैं ये बना रही थी तो मैं यही सोच रही थी कि हम खवातीन जो हैं, चाहे हम बेटी के रूप में होती हैं, बीवी के रूप में होती हैं या माँ के रूप में होती हैं, तो हम हमेशा जो है वो दूसरों का सोच होते हैं। अगर बीवी है तो वो अपने शोहर का सोचती है, माँ है तो अपने बच्चों का सोचती है, बेटी है तो अपने माँ बाप का सोचती है।
और ये एक हकीकत है, वो कभी अपने लिए नहीं सोचती है। तो मैं तो ऐसी ही हूँ, और मुझे लग रहा था कि गर्मी बहुत है, अभी आसिफ बाहर से आएंगे तो उनके लिए बनाकर पहले ही रख देती हूँ, क्योंकि आपको पता है जब तुख मलंगा हम इसमें डालते हैं तो वो फिर थोड़ा टाइम लेता है, तकरीबन 15 से 20 मिनट लगते हैं उसको थोड़ा सा फूलने में ना। तो यहाँ पर मैंने वो भी डाल दिया था, आपने देखा मैंने चीनी भी डाल दी, और इसके अलावा सफ़ेद नमक भी डाल दिया, और मैंने डाल दिया जी यहाँ पर लीमू। ठीक है, ये डालने के बाद अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर उसके बाद इसमें जामेश्री डाल देंगे, कोई भी लाल रंग का शरबत जो भी आप इवन अगर नहीं भी डालेंगे ना तो फिर भी चलेगा, क्योंकि मुझे पता था मेरे बच्चों का भी और आसिफ का भी मुझे पता है कि वो इस तरह से नहीं पियेंगे, इनको चाहिए होता है टेस्ट हर चीज़ में, तो वो चाहे कोई भी किसी भी किस्म का हो, तो इसीलिए फिर मैंने ये सब चीज़ें डाली हैं। अगर आप वेट लूज़ करते हैं तो आपको पता है तुख मलंगा कितना अच्छा होता है, आप सिर्फ लीमू और तुख मलंगा पानी में डालें और फिर वही आप सुबह पी लें, तो ये भी वेट लूज़ के लिए बहुत हेल्प करता है। तो मैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह सोच रही हूँ अब अपना वेट लूज़ करने के बारे में, तो इंशाल्लाह जल्दी जो है ना मैं करना स्टार्ट करूँगी। अच्छा जी, अच्छे से इसको हमने मिक्स करना है। देखिए कितनी अच्छी सी अभी सी इसकी, कितनी फ्रेश सी एक मज़ेदार सी लुक आ रही है शरबत की, और दिल चाह रहा है कि जैसे अभी पियेंगे तो एकदम से अंदर हमारा ना ठंडा हो जाएगा, और गर्मी कितनी ज़्यादा हो गई है यार। अच्छा, आज मैं म्यूज़िक नहीं लगा रही हूँ, बैकग्राउंड म्यूज़िक जो होता है, या फिर मैं बीच में भी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि आप लोग के कमेंट आते हैं नोरिन म्यूज़िक ना लगाया करें, ये एक बड़ी सैड सी जो है ना वो वाइब्स देता है ये म्यूज़िक ना, तो भैया आज मैंने म्यूज़िक नहीं लगाया है। और इसके अलावा कल मुझे एक कमेंट आया था जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, कल या परसों के ब्लॉग में आया था कि आपके हस्बैंड कितने काले हैं। मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ था इस चीज़ का, और मैं यही कहना चाहूँगी उस बहन को कि कभी भी रंग रूप पे नहीं जाना चाहिए, इंसान का दिल कैसा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शोहर मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, मेरे लिए मेरी जान है, मेरे शहजादे हैं ये, तो जैसे भी हैं अल्लाह ताला ने मेरे नसीब में जैसा भी शोहर लिखा है अल्लाह का शुक्र है कि वो बहुत ही खूबसूरत है। तो आपके हस्बैंड को अगर कोई भी जब कभी कुछ कहेगा ना तो फिर आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि आपको कितनी इस चीज़ की तकलीफ़ होगी और बुरा भी लगेगा। तो खैर जी, अभी ये देखिए जो मैंने चिकन मैरिनेट करके रखा था और इसके ऊपर हल्का सा आपको नज़र आ रहा होगा जो कि मैंने तिक्का मसाला डाला था, और अभी मैंने कोयला जला लिया अच्छे से, उसको रेड कर लिया, उसके अलावा फॉइल पेपर लेके उसमें मैंने कोयला रखा, थोड़ा सा उस पर ऑयल या घी डालें और फ़ौरन से उसको ढक दें अच्छे तरीके से ताकि धुआं बाहर ना आए, और यहाँ पर मैंने प्लेट ली थी जिससे सारा धुआं बाहर आया था, फिर मैंने इसको अच्छे से कवर करके रखा, वो देखें इस तरह से। अच्छा जी, ये मैंने करने के बाद अपना सारा किचन क्लीन किया, इतना मैस हुआ हुआ था, अच्छे से मैंने सारा साफ़ किया, और यहाँ पे जितने रुमाल थे धोने वाले वो भी मैंने डाल के रख दिए ताकि ये भी हो जाएं, और मैं यकीन करें कि किचन को साफ़ करते करते इतना थक गई थी कि मेरा बिल्कुल मूड नहीं था हो रहा कि अब मैं बिरयानी बनाऊँ। यहाँ पर देखे मैंने अच्छे से चिकन टिक्का कवर कर दिया, चावल मैंने भिगो दिए, बर्तन धो दिए, किचन साफ़ कर दिया। अब मैं काटने लगी थी प्याज, मैंने कहा कि अब 2-3 आलू ले लिए थे, कुछ प्याज ले लिए थे, और अब इनको छीलूंगी बैठ के आराम से, फिर उसके बाद जो है ना आपसे बिरयानी की रेसिपी शेयर करूंगी। लेकिन मैं किचन साफ़ करते करते इतना थक गई थी कि अब मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था कि मैं जाके बिरयानी बना के इसकी फुल रेसिपी दूं। फिर आसिन ने कहा एक काम करो तुम बैठो तो मैं करता हूँ तुम्हारे साथ ना हेल्प। किचन का काम करके मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो फिर मैंने सोचा आसिफ कह रहे हैं कि चलो मैं बिरयानी बना लेता हूँ तुम रेस्ट कर लो। यहाँ पे प्याज जो है वो ब्राउन हो गया, बस थोड़ा सा आसिफ को बताऊंगी क्योंकि मैंने आज थोड़ा सा स्पेशल जो बनाना था ना वो टिक्का बिरयानी बनानी थी, लेकिन वो हुआ कुछ इस तरह से कि उर्दू वाली मैडम जरा ध्यान नाल क्यों सारा उधर प्लेट च जा रहे हैं, वो बिरयानी में वापस जाएगा, उसकी कोई टेंशन वाली गाल नहीं। यहाँ पे हमने डाल देने इसमें टमाटर, ठीक है, जैसे प्याज हमारे जल रहे थे ज्यादा, तो मैं बस थोड़ा सा आपको बता देना यहाँ पे फिर जा रही हूँ, बिरयानी इंशाल्लाह कम्प्लीट हो जाएगी तो फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। जस्ट अब मैंने देखे इसमें ये डाल दिए, क्या कहते हैं इसको, प्याज ब्राउन किए, टमाटर हरी मिर्चें डाल दिए, हमने खड़े मसाले नहीं डाले ना सिर्फ अभी आपने इसमें, नहीं कुछ भी नहीं डाला, तो खड़े मसाले इसमें डाल। अच्छा, अगर आपको इस तरह से अंदाज़ा ना हो अलग अलग तो आप चाहें तो चिकन में ही ये सारे मसाले डाल सकते हैं, और यहाँ पे सिर्फ प्याज ब्राउन करें, टमाटर हरी मिर्चें डालें और साथ में वो मसाला इसमें ऐड कर दें जैसे मैं अभी करूँगी। तो खड़े मसालों में एक बड़ी इलायची, 2-3 दालचीनी के टुकड़े, और साथ में बादाम का फूल का आया से वो चावल में डाल दें, ये बड़ा उसमें भी डाला है, ये देखिए ये भी है, एक दो ये डाल दें, ये डाल दें, एक ये मोटा आलू डाल दें, ठीक हो गया, और थोड़ा सा जीरा और वो ये ठीक है, उधर बीच भी पाया वो तो कोई नहीं, वो तो चावलों का अपनी टेस्ट खुशबू के लिए ये अच्छा। अब हमने ये डाल देना है, ठीक है, उसके बाद हम अब थोड़ा सा इसको भूनेंगे, बिरयानी मसाला नहीं पड़ना, ये इसमें मैंने सब कुछ डाल दिया हुआ ना। अच्छा,
जब तक आपके चावल रेडी होंगे ना तो यहाँ पे चिकन। अच्छा चम्मच मैंने ये वाला लिया, आप लोग माइंड ना करना कि नॉन स्टिक में नहीं, कौन सा चम्मच खराब हो यूज करिए, नॉन स्टिक हमारा वैसे खराब हो। कल मैंने मारिया सी ते कान टूट गया ते तेरी वजह से परेशान हो गए। अस्तक फिर उल्ला छोड़ ना बोलो, सबने सच मान जाना है, हमको पता है कि वो उसमें उसमें क्या कहते हैं शामी में बनाते थे, पता है मुझे मजाक कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने ये जो हमारा मसाला है ना वो इसमें डाल देना। अच्छा ये कदम ला के रखे हैं, ये मैंने तकरीबन कोई आज दोपहर 4 बजे का लगा के रखा है। अच्छा वैसे इसको आधा घंटा भी दे देना, वो आ रही है टिक्के वाले, इसको पहले मैंने फ्राई करना था जैसे टिक्के फ्राई करते हैं उस तरह से बनाना था, लेकिन अभी टाइम निकला नहीं है जैसा मैंने आपको बताया ना फिर करते ही। अच्छा तो क्या कह रही थी मैं, मसाला किस तरह तैयार होगा चावला का, मैंने कहा मतलब इसमें हाँ। बस अभी हल्की आंच में पकेगा मसाला वैसे ही रेडी होगा जैसे होता है। अच्छा बिरयानी मसाला पाना पड़ा होगा, ये मैं थोड़ा सा और इसमें डाल दूंगा बताने लगी थी भाई, बस बोलने लगी। क्या बता रही थी बता दें, यार मैं थोड़ा परेशान इसलिए सुनो तो सही, इसमें मसाले बस यही रहेंगे? नहीं थोड़ा सा बिरयानी याद रखी, अच्छी बनी थी मेरी, भैड़ी बनी थी तेरी, खुशबू का की करना जो भुख ना मिटाए फिर की करोगे, या फिर बिरयानी नहीं है या ये देश का नहीं है। बताना भी व्यूअर्स आप उसकी शक्ल कैसी लग रही है, अभी खोल लेंगे अभी बनानी है। अच्छा आप कह रहे हैं कि यहाँ पे मसाला जो है वो मैं काम है, तो मसाला मैं यार इन्हें किचन साफ किया तो सारा आगे देख लगी की था। अच्छा ये आपने किया मैंने नहीं किया, ठीक है इसमें मैं थोड़ी सी बिरयानी मसाला और डाल देती हूँ क्योंकि आसी को तेज मसाले पसंद है, तेज नहीं है बच्चे ने छोटे कर कहते हैं, थोड़ी सी इसमें हम कुटी हुई लाल मिर्च और डाल देते हैं। इसका सबसे इजी और सिंपल तरीका यही है कि आप जब चिकन मैरिनेट करेंगे ना तो आप ये मसाले जो अभी मैं डाल रही हूँ तो आप उसी में डाल दें, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी और आपको ज़्यादा वो मुश्किल नहीं होगी कि हम कैसे मैनेज करें, ठीक है तो आप उसमें कर लेंगे तो ये सबसे आसान और इजी तरीका है। इससे आपको परेशानी भी नहीं होगी कि हमने उसमें कितना नमक डाला था, इसमें कितना डालना है, उसमें मिर्ची कितनी थी, इसमें कितनी है, तो ये टेंशन नहीं होगी। एक दफ़ा देखिए ज़रा इसकी लुक कितनी अच्छी लग रही है, मैंने बार बार आपको बता रही हूँ वैसे टिक्का बिरयानी बनाने का ये तरीका नहीं जैसे मैं बना रही हूँ, लेकिन मैंने बनानी टिक्का बिरयानी थी खुशबू इसकी बिल्कुल टिक्के जैसी ना? ये बात तो है। मैंने इसको टिक्के को पहले फ्राई करना था, मसाला अलग से बनाना था, फिर उसमें मैंने जो है ना वो चिकन डालना था। लेकिन अगर आप चिकन को फ्राई नहीं करते इस तरह से भी बनाएंगे तो बिलीव मी बिल्कुल वही टेस्ट वही जायका, चिकन बिल्कुल वैसा ही लगेगा जैसा टिक्का बना हुआ है, बिल्कुल सेम हर चीज़ वैसी आएगी। अगर आप रेसिपी नोट कर रहे हैं तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, न्यू आने वाले सब्सक्राइब करें, बहुत ही VIP बिरयानी बनेगी इंशाल्लाह। दही ये भी चपाई था, हां दही रायते वास्ते हुन हो रहा है पड़ा हुआ है, कितना का 2 चमचे सारे भाई पड़ा हुआ है, ठीक है तो ये हमने अब इस पे टिक्का लगा देना है, इसको कहां इस पर टिक्का ये पड़ा तो ये देखिए जी ये हमने इस पे ढक्कन लगा दिया, अब ये हल्की आंच पे बस होता रहेगा, आपने टेंशन नहीं लेने, आप चावल रेडी कर लें सही है, जब तक आपके चावल रेडी होंगे जब तक इंशाल्लाह ये बीज का पानी एक दफा निकलेगा सारा उसी में चिकन पकेगा सब कुछ हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या क्या डाला है, नमक और ये गरम मसाला और अब चावल, थोड़ा सा हरा धनिया पुदीना भी डालते ना उसकी खुशबू भी चावलों में आती है बड़ी अच्छी, देख लें आप डाल दें, मेरे सामने चटनी के लिए रखा हुआ है, चटनी में हाथ तवेरा बनाना। तो जब भी आप चावल जो है ना ये उबालने लगे उसमें थोड़ा सा सिरका भी जरूर डालें, उससे चावल खिला खिला और बड़ा ही खूबसूरत सी लुक आती है चावल की, ठीक है अगर सिरका नहीं है तो फिर आप इसमें नींबू डाल दें, लेमन हाँ अगर सिरका नहीं है तो फिर हम नींबू डाल देते हैं यहाँ पानी। अच्छा उन्हें कितनी देर तक पकेगा, ये बस थोड़ी देर में आपने पानी पहले रख दिया, ये मैंने हल्का कर दिया चूल्हा। अच्छा आई होप आप लोग को बहुत ही अच्छे से रेसिपी जो है वो समझ आई होगी, अगर नहीं भी आ रही तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता देना, अगर आई है तो फिर भी आप लोग बताना, बहुत ही मज़े की जितना मैं कह रही हूँ ना आप यकीन करें ऐसी ही बिरयानी बनी थी। अच्छा अभी ना आलू डालना मैं भूल गई थी उसमें कौरमे में, फिर वो मैंने बाद में डाल दिए थे, ठीक है वो इंशाल्लाह गल जाएंगे, ये देखें आपको आलू 2-3 बड़े बड़े से नज़र आ रहे होंगे,
तो वो मैंने आधे आधे काट के ना वो भी डाल दिए थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पानी है चिकन में, तो उसी में आलू भी गल जाएंगे, चिकन भी हमारा डन हो जाएगा और बड़े अच्छे से चिकन रेडी हो जाएगा मसाला। यहाँ पे चावल जो है तकरीबन 80 से 85% हमने कुक करने हैं, बाकी जो है वो दम पे होंगे, दम लगाने के लिए जो दूसरी चीज़ें हैं वो भी सारी रेडी कर ली हैं। यहाँ पर हमारा मसाला भी जो है ना रेडी हो गया, अब फटाफट से हम लोग दम की जो तैयारी है ना वो स्टार्ट कर। अच्छा, दम लगाने का तरीका भी सबका अपना अपना होता है, कुछ लोग नीचे पहले चावल डाल लेते हैं, कुछ लोग सालन डाल लेते हैं, तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप कुछ भी नीचे जो है सबसे पहले डाल लें। वैसे हम लोग अमूमन थोड़े से चावल नीचे रखते हैं, उसके ऊपर फिर मसाला डालते हैं, क्योंकि आपको पता है ऑयल जब वो गर्म होता है तो फिर वो कड़क कर देता है जो साथ दूसरी चीज़ें होती हैं, जैसे कि चावल हो गए या फिर सालन चिकन या आलू जो भी था ना, वो नीचे लगने का ज़्यादा खतरा होता है। ये अपनी अपनी एक सोच है, बस हमारी सोच इसी तरह, हम थोड़े से नीचे चावल डाल लेते हैं, फिर ऊपर चिकन डालते हैं, फिर ऊपर दूसरे सारे चावल डालते हैं, और थोड़ा सा जो मसाला अगर बच भी जाए तो इस तरीके से आयल जो है ना वो लास्ट में सबसे ऊपर मैं डालती हूँ, कोशिश यही होती है। अच्छा, उसके बाद मैंने इसमें हरी मिर्चें जो है वो इस तरह से दबाई, तो आसिफ कह रही है क्या तू तोपे लगा रही है यहाँ पे बहुत फनी था। अच्छा जी, उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें लगा दी, उसके बाद टमाटर लगा देने, हरा धनिया, पुदीना, जो फ्राई हुई हुई प्याज है वो डालते हैं, आप चाहे तो इसके ऊपर वो जो ये अंडा बनाकर ना, सॉरी मैं भूल रही थी क्योंकि मैंने बनाया नहीं था, अंडा बना के वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। अच्छा, कुछ छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं देती जा रही हूँ बिरयानी की, वो सारी आपने अगर रेसिपी नोट की है या नहीं की मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपने नहीं की ना तो मैं कहती हूँ कि आपने बहुत ही एक मज़ेदार बिरयानी जो है ना उसकी रेसिपी मिस कर दी है, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। अच्छा जी, यहाँ पे अब मैंने ले लिया जर्दे का रंग, उसके अलावा मैंने मंगवाया पीला कलर। आप अक्सर बाज़ार से जब बिरयानी लेकर आते हैं तो आपने देखा उसमें चावलों में कुछ पीला पीला कलर भी आपको नज़र आ रहा होता है, तो मैंने मंगवाया कुछ थोड़ा सा जर्दे का रंग डाला, कुछ पीले वाला रंग डाला, थोड़ा सा पानी लिया, उसमें अच्छे से हमने मिक्स करना है और फिर वो चावलों के ऊपर डाल देना है। तो आप लोग ज़रूर ये ट्राई करना, आप लोग को भी फ़र्क नज़र आएगा कि आप अगर हमेशा जर्दे का रंग यूज़ करते थे तो आप थोड़ा सा पीला कलर डाल के देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त लुक आने वाली है। तो मैं कहती हूँ असल जो दावतों वाली बिरयानी है ना वो ये वाली बनी थी। अच्छा, उसके बाद तकरीबन 10 से 15 मिनट तक मैंने हल्की थोड़ा तेज़ आंच पे रखा, फिर उसके बाद हल्की आंच कर दी, दम रखना था हमने 10 से 15 मिनट, और फिर उसको दम जब चूल्हा हम बंद कर देंगे ना उसके फिर बाद में भी हमने इसको 5-10 मिनट के लिए छोड़ देना है। फ़ौरन से चूल्हा बंद कर दिया आपने, चावल का दम नहीं खोलना होता, थोड़ी देर के लिए रेस्ट देनी होती है, उसके बाद आपने खोलना होता है, ठीक है। अब मैं सारे चावल यहाँ पे मिक्स नहीं कर रही हूँ, मैंने तकरीबन सामने से जो अपने थोड़े से चावल लूँगी उसको मैं डिश में निकालूंगी, तो क्योंकि मैं आपको वो असल जो लुक है ना इस बिरयानी की वो दिखाना चाह रही थी कि चावल में वाइटपन भी नज़र आना चाहिए, थोड़ा सा कलर भी नज़र आए। और आप अब देखेंगे क्योंकि थोड़ा सा लाइट का इशू हो रहा था और रात का टाइम था, तो अक्सर ही जो है ना आपको पता है बिल्कुल अच्छे से कैमरा इतना कोई हाईफाई तो है नहीं मेरा कि आपको सही वाला कलर जो इसका दिखाए। अभी कोशिश करूँगी आगे थोड़ा सा डिश को ज़रा इधर उधर करके जहाँ सही लुक आएगी ना वो मैं आपको दिखाती हूँ। अब आप इसमें देखें कि पीला रंग भी आपको थोड़ा बहुत नज़र आ रहा होगा, थोड़ा सा ऑरेंज कलर जो कि इसका फूड कलर है, ये जो जर्दे का रंग वो भी हमने डाल दिया। आलू बड़े अच्छे गल गए थे क्योंकि मैं स्टार्ट में डालना भूल गई थी, फिर मैंने जब डाले तो माशाल्लाह से बड़े अच्छे से गल गए थे। आप जब इसको डिश आउट करें तो इसमें हर एक चीज़ नज़र आनी चाहिए, चिकन में जो बोटियाँ हो गई या टमाटर, जो प्याज हमने ऊपर डाली थी वो डाला था, हरी मिर्चें डाली थी, वो सब चीज़ें जो है ना इसके ऊपर नज़र आनी चाहिए डिश आउट करते हुए। तो ये देखिए कितनी ही मज़ेदार लुक है। अच्छा, जो इसकी असल वाला कलर था ना तो मैं कोशिश कर रही थी कि वो आए, कभी मैं इधर कर रही थी कभी उधर कर रही थी, लेकिन अभी मैं आपको दिखाती हूँ जो इसका असल वाला कलर था, आसिफ ने रख के दिखाया कुछ ये वाला। माशाल्लाह बेगम जी, तुसी तो छा गए हो, ਇਹ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਗੈਰਾ ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬਿਰਿਆਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਆਪ ਦੇਖੇ ਕਿਸੇ ਦੇਗ ਵਾਲੀ ਲੁਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ, ਪਟਾਖੇ ਠਾਠਾ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਚ ਕਿਹੋ ਜੀ ਹੋਏਗੀ। ਚਲੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरी सारी बहनों ने ये रेसिपी ज़रूर नोट की होगी बिरयानी की, अगर जिन्होंने नहीं की ना यकीन करें कि वो मैं कहती हूँ कि बहुत एक आपने VIP रेसिपी जो है उसको मिस कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा आपको एक ज़रा स्क्रीनशॉट भी दिखा दूँ बिरयानी का, बड़ी मज़ेदार बिरयानी लग रही थी और अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जी। यहाँ पे आप लोग अक्सर कॉमेंट्स करते हैं कि नोरीन आप कौन सी क्रीम यूज़ करती हैं, आप कौन सी नाइट क्रीम यूज़ करती हैं, तो मैंने सोचा कि वो आपके साथ शेयर करूँ। तो यहाँ पर हमारे पास दो क्रीम है, एक तो ये वाली ब्लैक और गोल्डन जो कि आप देख रहे हैं, समिया पर गोल्ड ब्यूटी क्रीम है, और दूसरी वाली जो है वो ये वाली है समिया ब्यूटी क्रीम, ठीक है, समिया पर्ल ब्यूटी क्रीम है, ये आपकी फेयरनेस के लिए है। और दूसरी वाली जो है ना वो ब्लैक और गोल्डन वाली, इससे आपके फेस पे जितनी भी छाइयाँ हो जाती हैं, अक्सर एक्नी हो जाती है, पिगमेंटेशन होती है, बहुत सारी एक्नी स्पॉट्स हो जाते हैं और स्कार्स होते हैं आपके फेस पे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। रंग गोरा करना ही ज़रूरी नहीं होता, स्किन का क्लीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर आपका कलर बहुत ज़्यादा फेयर हो लेकिन आपके फेस पे बहुत ज़्यादा मतलब दाने हैं, छाइयाँ हैं या फिर इस तरह की चीज़ें होती हैं ना,
वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता फेयर कलर जो है। अच्छा इसको खोल कर भी मैं आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ, इसको आपने ऑर्डर कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूँगी। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी किसी भी किस्म का सवाल करना है तो यहाँ पर आपके सामने नंबर शो हो रहा है, आप यहाँ पर रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पर भी, इनका व्हाट्सएप नंबर है ये, तो उनसे आप पूछ सकते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि ये क्रीम यूज़ करने के बाद हमें इसके साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं होंगे आया कि इस क्रीम को छोड़ने के बाद, क्योंकि बहुत सारी सवाल मुझे पता है कि आपके जहन में होंगे ना, तो आप इनके नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं आप, और यहाँ से आप ऑर्डर भी कर सकते हैं इस क्रीम को। अच्छा आप इसकी जो खुशबू थी क्रीम की मैं वो चेक करी थी, वो भी बहुत ही अच्छी थी। तो ये तो होगी हमारी ये वाली क्रीम, और सबसे बड़ी बात इस क्रीम में ना SPF 60 है। आपको पता है कि हमारे यहाँ पाकिस्तानी खासतौर पर अब तो कितनी ज़्यादा गर्मी है, तो कितनी तेज़ धूप, और अक्सर खवातीन को भी घर से बाहर निकलना होता है, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना होता है, स्कूल से वापस लेकर आना होता है, या बच्चों को ट्यूशन छोड़ने जाना है, या फिर और भी बहुत सारे छोटे मोटे काम हैं जो कि बाहर के करने होते हैं। तो आपको पता है कि सूरज की रोशनी से बचना, मतलब जब जो धूप होती है उससे अपनी स्किन को बचाना भी बहुत ज़रूरी होता है। अक्सर जो सूरज की रोशनी है ना उस वजह से भी हमारे फेस पे छाइयाँ हो जाती हैं, या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स का हमें सामना करना पड़ता है। अब मैं आपको दूसरी वाली क्रीम दिखा रही हूँ जो कि है फेयरनेस के लिए। तो इनका कहना यही है कि ये शर्तिया 5 दिन के अंदर आपका जो कलर है ना वो फेयर करेगी, और इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे कोई किसी किस्म का। कोई भी आपको अगर लग रहा है कि इसको हम यूज़ करने के बाद हमारा फेस ख़राब हो जाएगा, छाइयाँ हो जाएंगी, या ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता। आप इनके नंबर पर रब्ता करें, इनसे आप पूछें, अपनी तसल्ली करें, उसके बाद आप इनसे जो है ना अपनी क्रीम ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी की शादी है तो वो अपना चाह रही है कि हमारा जल्दी से रंग गोरा हो जाए, तो फिर आप ये क्रीम ज़रूर ऑर्डर करें, और फिर इसको 5 दिन में अपना रंग जो है ना वो एक क्या कहते हैं 5 दिन में हो जाए आप गोरे गोरे, ठीक है ना। तो ये वाली क्रीम, अच्छा इसके साथ इन्होंने ना सीरम भी दिया है, तो सीरम भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ, वो आप इन क्रीम्स में मिक्स करके ना तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। आपको अगर फ़ौरन से रिज़ल्ट चाहिए तो ये सीरम जो है ना ये भी इसी का काम करेगा, क्योंकि सीरम में जो है वो विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन ई जो है वो शामिल है। और आपको अगर जल्दी और अच्छा रिज़ल्ट चाहिए तो फिर ये सीरम इसमें मिक्स करेंगे तो फिर इससे और भी अच्छा जो है ना वो रिज़ल्ट आपको मिलेगा। क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि शादी में बहुत कम दिन होते हैं, लड़कियां परेशान होती हैं कि यार हमें कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे हमारा कलर यूँ फटाफट से जो है वो फेयर हो जाए। तो या फिर आपके घर में कोई भी ऐसा इवेंट आने वाला होता है, या आपने कहीं जाना होता है, तो आपको होता है कि हमारा कलर ख़राब हो गया, तो हम कौन सी ऐसी चीज़ यूज़ करें जिससे हमारा कलर बेहतर हो जाए। तो ठीक है, ये इन्होंने जैसा कि कहा हुआ है कि भी विद इन 5 डेज़ आपके कलर में फ़र्क नज़र आने लग जाएगा, आपका कलर जो है वो अच्छा हो जाएगा, तो और फिर आपको क्या चाहिए, ठीक है। तो आप लोग जो है ना ये जो दिए गया नंबर है इस पर आप अपनी तसल्ली करें, अगर आपका दिल मुतमिन हो जाएगा, मान जाएगा कि हाँ भाई ये लोग कह रहे हैं कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, तो फिर आप इस क्रीम को ऑर्डर करें, ठीक है। तो बाकी जो है आई होप कि आप लोगों को आज का मेरा पूरा व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। ये क्रीम्स जो हैं आप लोग बहुत सारा पूछ रहे थे, काफ़ी मुझे कमेंट्स आते थे कि नूरीन कुछ बता दें ऐसी कोई, आप कौन सी नाइट क्रीम यूज़ करती हैं, या फिर कौन सी क्रीम यूज़ करें जिससे हमारा कलर अच्छा हो जाए और हमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी ना मिलें, ठीक है। जिनके फेस पे छाइयाँ, पिगमेंटेशन या ये वो इस तरह की चीज़ें हैं, एक्ने वगैरह भी है, तो वो वाली भी मतलब उनके लिए भी क्रीम है, और जिनको कलर फेयर चाहिए तो वो कलर के लिए भी क्रीम आ गई है, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 क्रीम्स हो गई और एक सीरम हो गया, इनको ऑर्डर करें, ऑर्डर करके जो है अपने रंग को कर लें गोरा गोरा चिट्टा चिट्टा। तो मिलती हूँ इंशाल्लाह आप नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग में, जब तक के लिए आप अपना अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे पता है कि आज का व्लॉग बहुत लंबा हो गया, क्योंकि आज मैंने देनी थी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, और दूसरा जो है ना वो ये क्रीम के बारे में बताना था, क्योंकि आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। यहाँ पर स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, स्क्रीन शॉट लेके इनको सेंड करें, और फिर अपना जो भी इसकी प्राइस वगैरह वो भी इनसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।